2024 को लेकर डरी हुई बीजेपी ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर अटकी बीजेपी की सांसें, क्या बीजेपी हाईकमान अपने सांसदों के प्रदर्शन से खुश नहीं है? राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान कड़े से कड़े फैसले ले सकता है, फिर चाहे उसे अपने मौजूदा सांसदों के टिकट ही क्यों न काटने पड़े। पता चला है कि पार्टी अपने 25 से 30 सांसदों के टिकट काट सकती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि इन सांसदों के प्रति पार्टी की नाराजगी की वजह क्या है, इसे लेकर कुछ सवाल है। पहला सवाल ये है, क्या इन सांसदों से इलाकाई लोग खुश नहीं थे? दूसरा सवाल ये कि इन सांसदों ने अपने संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। तीसरा सवाल ये है कि क्या इन सांसदों ने अपने क्षेत्र में सांसद निधि का सही इस्तेमाल नहीं किया। चौथा सवाल ये है कि क्या ये सांसद अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में बिल्कुल भी सक्रिय नहीं थे। असल में पार्टी आलाकमान को जो फीडबैक हासिल हुआ है उसमें कहा गया है कि ये विधायक प्रधानमंत्री के निर्देशों के बावजूद अपने इलाकों में बेहतर काम नहीं कर पाए। यूपी में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। बीजेपी इस बार साम दाम दंड भेद के सहारे यूपी में भारी जीत की उम्मीद लगाए बैठी है। पार्टी ने तो 2024 के चुनाव को भी मिशन 80 का नाम दे दिया है। मतलब ये है कि पार्टी का लक्ष्य 80 सीटें जीतने का है। तो ऐसे में जिन सांसदों से जनता खुश नहीं है उन्हें दोबारा टिकट देने का रिस्क पार्टी नहीं ले सकती। मौजूदा सांसदों के टिकट काटने की एक और वजह यह है कि क्योंकि बीजेपी, सुभाषपा, अपना दल और निषाद पार्टी से चुनावी गठजोड़ कर सकती है, लिहाजा उसे इन पार्टियों के उम्मीदवारों को भी टिकट देना है। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान की देखरेख कर रहे राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने 30 जून को अपनी वर्चुअल मीटिंग में करीब 2 दर्जन से ज्यादा यूपी के सांसदों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। बीजेपी के लिए इस बार रायबरेली और मैनपुरी की सीटें अहम हैं, जहां पार्टी 2014 और 2019 में एक भी सीट नहीं निकाल सकी। जाहिर है ऐसे में मिशन 80 को लेकर पार्टी के सामने बड़े चुनौती है। इन सीटों के जीते बगैर पार्टी का मिशन 80 अधूरा ही रहेगा। जाहिर है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो ऐसे में पार्टी कड़े फैसले लेने से गुरेज नहीं करेगी। इंडी न्यूज की रिपोर्ट।